now we are going to see personnel utilization in a particular retail store normally retailer ka jo core objective hai, wo, that is to make utilization of the resources the personnel that is available into the store, wo store ka in charge ho store ka manager ho ya wo store ka associate staff ho. so everyone has to be properly utilized in a particular retail store तो so, सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या चैलेंजेस हैं एक रिटेलर को किसी भी स्टाफ को यूटिलाइजेशन के हवाले से व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड तो जो फर्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हाई लेबर कॉस्ट नॉर्मली यू विल सी कि लेबर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे बेशक वो आपके लोअर लेवल स्टाफ की है इफ यू रिमेंबर विद इन टू थ्री इयर्स इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम नाइन थाउजेंड रुपी बेसिक मिनिमम वेज रेट टू ऑलरेडी फिफ्टीन थाउजेंड मिनिमम वेज रेट अगर मैं सिर्फ विद इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर इट इज़ मच मच हाई तो द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बेशक वो स्टार्टिंग लेवल के ऊपर इज इज गेटिंग हाई डे बाई डे सो लेबर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग दट इज़ लेस एक्सपेंसिव इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वियतनाम इंडिया जो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नॉर्मली लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कंपेरिजन टू द यूरोपियन कंट्रीज और कंपेरिजन टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट लेकिन स्टिल अगर हम कंपैरिजन करते हैं विद इन द कंट्री रहते हुए भी सो ईयर ऑन ईयर ये कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ गेटिंग हाई सो रिटेलर के लिए बहुत चैलेंज है कि उसने इस लेबर कॉस्ट को कैसे इंश्योर करना है कि वो लेबर कॉस्ट के अंदर रहते हुए वो आपको प्रॉपरली लेबर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके दूसरी इंपॉर्टेंट बात हाई इम्प्लॉय टर्न ओवर बिकॉज रिटेल इज़ ग्रोइंग बहुत फास्ट पेस से बहुत तेज़ी से बिजनेस इंक्रीज कर रहा है रिटेल के सेंसेस के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर रिटेल ग्रोथ में नंबर वन के ऊपर है पूरी दुनिया के अंदर विच इज़ विदी एट परसेंट रिटेल ग्रोथ तो अगर आप देखेंगे तो नए नए रिटेलर्स ओपन हो रहे हैं सो देर इज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंप्लॉयज़ ऑल्सो तो रिटेलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है वो ये है कि जो इंप्लॉयी टर्न ओवर है उसको कैसे रोके इंप्लॉयिज़ जो छोड़ के जा रहे हैं वो कैसे जाए वो कैसे उसको रोक सके तो कैसे वो इंश्योर करेगा उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है क्योंकि एक एम्प्लॉई आया रॉ एम्प्लॉई था उसको ट्रेन किया प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग कर की उसके ऊपर और फिर जब वो ट्रेंड हो गया उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन ही लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन तो रिटेलर के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वो अपने इम्प्लॉय टर्न को कंट्रोल कर सके बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे फिर थर्ड हमारे पास पुअर पर्सनैल पुअर पर्सनैल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंशनड है कि जहाँ पर द रिसोर्स

रिटेल uh, एसोसिएट अगर आठ घंटे काम कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी उस आठ घंटे के अंदर लेट से वो फाइव आवर्स बहुत प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है तो एक पुअर रिसोर्स जो है वो शायद अपना ज़्यादा टाइम प्रोडक्टिवली एफिशेंटली यूटिलाइज ना करे तो उससे रिजल्टेंटली ये होगा कि रिटेलर को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी ही इज द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू बोथ द रिसोर्सिस लेकिन प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फ्राम वन रिसोर्स इज़ गेटिंग मच हायर एज़ कम्पेयर टू द अदर रिसोर्स जिसकी कॉस्ट तो हम हम पे कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वी आर नाट गेटिंग इन अ प्रॉपर मैनर फिर देन हमारे पास प्रोडक्टिविटी गेंस इन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के सरेरियो में है दैट इज इन्वॉलमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे सो so टेक्नोलॉजी के आने से स्पेशली इन द रिटेल सेक्टर तो क्या रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बेहतर हो गई है या ख़राब हो गई है सो so, रिटेलर को यह देखना है कि कैसे टेक्नोलॉजी के आने के बाद आई कैन यूज़ मोर एफिशियंटली माई पीपल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले कैश काउंट करने के लिए कैशियर को वन बाय वन नोट काउंट करने पड़ते थे तो नाउ देर आर मनी काउंटिंग मशीन कैश काउंटिंग मशीन सो उसकी ये जॉब और एफिशेंटली कर दी गई है जहां पर ही कैन कैश यू कैन काउंट द कैश टू दैट पर्टिकुलर मशीन तो उस टेक्नोलॉजी के आने से उसकी एफिशंसी बढ़नी चाहिए रादर देन की उसकी एफिशिएंसी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होनी चाहिए शायद पहले अगर वो किसी एक कस्टमर को डील करने के लिए उसको डेढ़ दो मिनट चाहिए थे अब शायद वो यही काम विद इन थर्टी सेकेंड कर सके तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है अगर ऐसा है तो रिटेलर हैज़ टू सी और अगर ऐसा नहीं है तो ही हैज टू टेक इमिजिएटली क्विक एक्शन बिकॉज ही इज इन्वेस्टेड ऑन टेक्नोलॉजी तो अगर टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी ही इज नॉट गेटिंग दैट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम दी पर्सनल विच मीन्स बोथ द थिंग्स आर क्वेश्चन मार्क दैट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो दैट पर्टिकुलर रिसोर्स फिर लेबर की स्केजलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट की फैक्टर जो कि पर्सनल यूटिलाइजेशन के हवाले से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक लट से मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट तो इस सारी सीनैरियो के अंदर यू हैव टू टेक केयर कि फीमेल स्टाफ को किसके अंदर अकोमोडेट करना है मेल स्टाफ को किसके अंदर अकोमोडेट करना है uh, किस टाइम के ऊपर यू हैव टू मेक शोर कि रश ज्यादा है फ्लो ज़्यादा है जिस तरीके से नॉर्मली पाकिस्तान में अगर हम इवनिंग आवर्स की बात करते हैं द पीक आवर ऑफ़ द बिजनेस इन द रिटेल सेक्टर इज सेवन पी एम टिल टेन पी एम तो ये तीन घंटे के अंदर आपका ज्यादातर जो स्टाफ है दे हैव टू बी अवेलेबल इन द स्टोर हैंडलिंग द कस्टमर डीलिंग द कस्टमर गिविंग दैम इन सपोर्टिंग दैम किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेटिंग दैम ताकि कस्टमर जो है वो बेहतर फील करे अटेंडेड फील करे और आपसे वो शॉप करके लेके जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी स्टोर की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सो so, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज लेस फ्लेक्सीबिलिटी ड्यू टू बेसिकली लेबर यूनियंस रिटेल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है कि लेबर यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रोल है तो वो लेस फ्लेक्सीबिलिटी मौजूद होती है वेयर दे आस्क इंप्लॉय टू डू लेट से फॉर एक्जाम्पल नाइट शिफ्ट सो मे बी दे विल से समथिंग अबाउट इट एंड दे हैव सटे लिमिटेशन टू इट जिसकी वजह से शायद एक रिटेलर प्रॉपर्ली उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाता उस पर्सनैल को उस एसोसिएट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता जब लोग ऑफ कोर्स वन दे आर पार्ट ऑफ अ रिटेल स्टोर वो पार्ट है लेबर यूनियन का देर आर लेबर लॉस एव एज वेल सो कई दफ़ा उसके लॉस को यूटिलाइज किया जाता है अगेंस्ट द रिटेलर तो अगेन वो रिटेलर एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाता अपने एम्प्लॉय से रिटेलर के लिए जहाँ एक तरफ कस्टमर बहुत इम्पोर्टेंट है तो कस्टमर के लिए जो फेस है दैट इज़ एक्चुअली द इम्प्लॉज सो रिटेलर हैज़ टू इंश्योर बेशक कॉस्ट हाई है बेशक टर्न ओवर जो है वो हाई है ही हैज़ टू इंश्योर किस तरीके से वो अपने लोगों से प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है